अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। दरिया चना पर डैमों की तामीर पर खुसूसी तौर पर बात होगी। वफ्द में DG महकमा मौसमियात, महकमा आबपाशी और वजारत खारजा का नुमाइंदा भी शामिल। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल, वज़ीर आज़म ने आला सतही इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की हायर एजुकेशनल कमीशन के बजट में कटौती ना करने की हिदायत। पेट्रोल के बाद 1 जुलाई से बिजली की कीमत में भी बड़े इजाफे का इम्कान, बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ कीमत में किया जाएगा। साबित हो गया कि बैरूनी साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। इमरान खान ने कहा कि गुलामी की जहनी बेड़ियाँ बिलाखिर टूट गईं, पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल गया है। लापता अफराद का मामला वफाकी काबीना ने कमेटी तश्कील दे दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत ने कहा वफाकी हुकूमत लापता अफराद के लवाहिकीन की शिकायात का अजाला करे। आलमी मालियाती इदारे के साथ मुहादे पर अमल पैरा ना हुए तो कौमी मईशत को बड़ा नुकसान होगा। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं इक्तसादी तरक्की के लिए वजीर आजम ने दलेराना फैसले किए। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेजिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 416-727-1624 पर जरूर रब्ता कीजिए। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी अतला पर बात होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज आज से नई दिल्ली में हो रहा है। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द वाघा के रास्ते भारत पहुँच गया है। वफ्द में DG महकमा मौसमियात, महकमा आबपाशी, नेस्पाक और वजारत खारजा का नुमाइंदा भी शामिल है। वाघा के रास्ते रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह का कहना था कि आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात का 2 नुकाती एजेंडा है। भारत से आने वाले सैलाबी पानी से मुतालिक मालूमात की पेशगी फराहमी पर बात होगी और इंडस वाटर कमिश्नर्स की सालाना रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मार्च में पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर का इजलास इस्लामाबाद में हुआ था। अब ये 118वां इजलास है जो नई दिल्ली में हो रहा है। इंडस वाटर कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान के एतराज पर भारत ने रिपोर्ट पेश करने की यकीन दहानी कराई है। वफ सिर्फ इजलास के लिए जा रहा है, मुआयने के लिए अलग विजिट होंगे जिसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया जिसमें वजारत खजाना, तवनाई, पेट्रोलियम और मनसूबा बंदी के हुकाम शरीक होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए कहा फौरी तौर पर 1,40,00,000 गरीब खानदान को 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती का सवाल ही पैदा नहीं होता। आला तालीम के बजट पर प्लानिंग कमीशन और वजारत खजाना को वाज़ह हिदायत हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हायर एजुकेशन कमीशन की बहाली और बजट में कटौती न करने की हिदायत जारी कर दी। वजीर आजम का कहना था कि हायर एजुकेशन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर की तर्ज पर फाल बनाया जाए। वजीर आजम ने हिदायत की कि हायर एजुकेशन कमीशन के वसाइल में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए और असातिज़ा और तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम के बाद अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां की जा रही हैं और 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। वजारत तवानाई के ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ की मद में किया जाएगा और इजाफे का फैसला 10 बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्तों पर नेपरा के फैसलों के बाद होगा। नेपरा इन बिजली की तकसीम कार कंपनियों की रेवेन्यू ज़रूरियात की दरख्वास्तों पर समातें मुकम्मल कर चुका है, जिसके बाद रवां हफ्ते ही नेपरा की तरफ से फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए का कहना है कि फैसले जारी होने के बाद पावर डिवीज़न बिजली की कीमत बढ़ाने का हतमी फैसला कर सकेगी और नेपरा का फैसला आने के बाद वफाकी हुकूमत टारगेटेड सब्सिडी का फैसला भी करेगी। फ्यूल प्राइसेस, महंगा डॉलर, गर्दिशी कर्जा और कंपनियों के नुकसान के सबब बिजली महंगी होगी, ताहम कीमतों में इजाफा यकमुश्त नहीं मरहला वार हो सकता है। इस वक्त मुल्क में बिजली का बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपये फी यूनिट से ज़्यादा है। नेपरा और वजारत तवानाई का फैसला आने पर औसत बुनियादी टैरिफ 24 रुपये से तजावुज कर सकता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि बैरूनी साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करना साबित हो गया। फिक्र और जहन पर पड़ी गुलामी की जंजीरें बिलाखिर टूट चुकी हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि 26 मई को शब 1 बजे से सुबह 8 बजे तक 7 घंटे मैंने कंटेनर से जो कुछ देखा साबित हो गया। बैरूनी साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल चुका। फिक्र जहन पर पड़ी गुलामी की जंजीरें बिलाखिर टूट चुकी हैं। इमरान खान का कहना था कि पुरअमन लोगों पर तशद्दुद करने वालों की तस्वीरें नजरों के सामने हैं। राणा सनाउल्ला, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, तुम नहीं बचोगे। तुम सबको इंसाफ के कठहरे में खड़ा करेंगे और जेलों में डालेंगे। उन्होंने मजीद कहा था कि सब देख लिया है कि इस बार किस तरह तैयारी करके आना है। पुरअमन एहतजाज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ ने ओपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार दिया। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला, वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद कमेटी में शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद के मामले पर वफाकी काबीना ने कमेटी तश्कील दे दी। वजारत दाखला ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कमेटी चेयरमैन वजीर कानून आजम नज़ीर तारण होंगे। वजीर दाखला राना सनाउल्ला और वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद कमेटी में शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाजी अमरी, वजीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन भी कमेटी के मेंबरान होंगे। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि लापता अफराद को अदालत में पेश करें या रियासत की नाकामी का जवाब दें। अदालत ने हुकूमत को मुशर्रफ से लेकर आज तक तमाम वज़रा आज़म को नोटिस जारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि उन्हें अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आइन से बगावत पर कार्रवाई करे। क्यों ना शहरियों को लापता करने की पॉलिसी की खामोश मंजूरी पर एक्शन लें। क्यों लापता अफराद केसेस पर गद्दारी का मुकदमा चले। अदालत ने मजीद कहा वफाकी हुकूमत लापता अफराद के लवाकीन की शिकायत का अजाला करे और यकीनी बनाया जाए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गैर ऐलानिया सेंसरशिप न हो। वफाकी वजीर दाखला राना सनाउल्ला ने कहा कि IMF के हुकाम से शराइत के हवाले से बातचीत की जाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखला राना सनाउल्ला ने कहा है कि अगर आलमी मालियाती इदारे इस माहदे पर अमल पैरा नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेलीविजन न्यूज नेटवर्क को खसूसी इंटरव्यू के दौरान वफाकी वजीर दाखला राना सनाउल्ला का मजीद कहना था कि IMF हुकाम से शराइत के हवाले से बातचीत की जाएगी। अगर IMF इस माहदे पर अमल पैरा नहीं है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और मईशत
ناگفتگو صورتحال پر چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کی بنیادی شرط کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور سبسڈیز میں کمی کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی معیشت کی بہتری کے لیے سخت اور دلیرانہ فیصلے لیے گئے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔